मुंबई की कस्तूरबा पुलिस ने एक ऐसे शातिर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्गों को हाथ सफाई से ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, जो बुजुर्ग व्यक्तियों को टारगेट मर्डर बनाया करता था, ऐसा बताकर बुजुर्गों के सोने के गहने उतारकर रुमाल में रखकर जेब में रखने को कहता और आरोपी हाथ की सफाई से रुमाल की पोटली बदल दिया करता था। बुजुर्गों को कहता कि घर जाकर पोटली खोलना। जब बुजुर्ग व्यक्ति घर जाकर पोटली खोलता तो उसमें कंकड़ पत्थर भरा मिलता। 24 जून को कस्तूरबा पुलिस स्टेशन को मैं ऐसी वारदात सामने आई जिसमें फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग व्यक्ति से 20 ग्राम सोना और नगद लूटकर फरार हो गए। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज शुरू हो गया और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक ओम टोटावर और उनकी टीम ने तंत्रित विश्लेषण, सीसीटीवी और सूत्रों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर माही मच्छीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम संजय दत्ताराम मांगड़े 50 वर्षीय है, जो माहिम मच्छीमार कॉलोनी माहिम पश्चिम का रहने वाला है। आरोपी संजय दत्ताराम मांगड़े के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 50 से ज्यादा फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने का मामले दर्ज है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। तेईस जून को पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन सदग्रस्त आ गए। उनका नाम है सुभाष महेंद्रकर, उम्र है 62 इयर्स। उनको 4 नंबर रोड पे किसी ने ठगा। जानकारी मिली कि कोई आदमी उनको बोल रहा था, अरे तू मुझे पहचाना नहीं, भूल गए क्या? तो ये सब दुकानें दिख रही है वो अपने ही है, आ जाना कभी। और ध्यान में रख, ये सामने पुलिस खड़ी है, वो चेकिंग कर रही है और आपके पास ये सब जेवर्स हैं वो निकाल के रख, नहीं तो ये सब चला जाएगा। तो ऐसा बातों बातों में उसने उसे बतावनी टाइप का गुनाह बोला जाता है। तो उसने वो सब जेवर्स, उसके लगभग 74,000 के ज्वेलर्स और कैश उससे पास निकाली और ठगी। वो आदमी को ना कहीं सीसीटीवी में दिख रहा है। लास्ट में बहुत सारे जाँच के बाद हमें एक सीसीटीवी में दिखा और तांत्रिक मदद के साथ हमने लगभग 15 दिन उसको फॉलोअप किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से और खबरी के मरपज से उसको फॉलोअप किया। आखिर में 2 दिन पहले वो आरोपी हमें मिला। उसका नाम है संजय दत्ताराम मांगड़े, उम्र है 50 साल। उसका साथ जो काम करता है उसका नाम है विजय तांबे, वो भी जल्दी हमारा हिरासत में आएगा, उसके भी पीछे हम पड़े हैं और जल्दी उसको हम पकड़ने वाले हैं। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है। गए कुछ सालों में उन्होंने लगभग मुंबई और आसपास के इलाके में 28 ऐसे ही टाइप के क्राइम किए हैं, 28 लोगों को ठगा है और लाखों रुपए का लूट किया है। उसका एक स्पेशल टीम होता है, वो टीम में अलग अलग लोग शामिल होते हैं। अभी इसमें जो शामिल है 2-4 गुनों में उसके साथ में, वो तांबे नाम का इंसान है, वो भी उसके वो अभी भाग गया है, उसको हम जल्द ही हिरासत में लेंगे। आरोपी का ठगी करने का मोडस क्या होता है, वो किस तरह से ठगी करता था, किस तरह से लोगों को गुमराह करता था? सीनियर सिटीजन या ओल्ड लेडी देख के सामने पुलिस का डर दिखा के इनको गुमराह करके उसका जो ज्वेलर्स है वो इंसान खुद निकाल के उनके हाथ में देते और छुपाने के लिए रुमाल में बांध के देते। हालांकि रुमाल में कुछ देते नहीं, वो हड़प कर लेते और इस तरह से ठगी करते हो। इस तरह की ठगी की वारदात हुई है, इसको लेकर जनता को किस तरह का मैसेज देना चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस है जनता का? तो हम हर मीटिंग में विनती करते हैं कि पुलिस आपको लूटने के लिए नहीं, कोई बोलता है आगे पुलिस है जेवर निकाल के रखो, तो ये सरासर गलत है। आपने पुलिस को ना डरते हुए शान से चलना चाहिए और कोई ऐसा बोलता है तो कृपया पुलिस के ध्यान में लाके दो, आगे पुलिस ठगेगी ऐसा बताने वाला एक इंसान खड़ा है तो ऐसे इस टाइप का कोई क्राइम होएगा नहीं। जब आप रास्ते से चलते हो तो फुल कॉन्फिडेंस से चलो, ताकि आपका ना चैन स्नैचिंग होएगा, ना आपके साथ ठगी होएगी, ना आपका एक्सीडेंट होगा। यही मेरा मैसेज देना है। धन्यवाद।